ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख को घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। मोर पंख से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं जिनके जरिए कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोर पंख के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। तो वीडियो को जो है पूरी तरह से ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मोर पंख से ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर में और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि धन लाभ होगा, आपको अनायास ही कहीं से भी पैसे आने लग जाएंगे और साथ ही साथ घर में सुख शांति चैन सब कुछ मिलने लग जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि ऐसे ही कमाल की वीडियो, चमत्कारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि तकिए के नीचे मोर पंख रखने के भी फायदे होते हैं। तकिए के नीचे अगर आप मोर के पंख को रख कर सोने से विद्या लाभ की प्राप्ति होती है। तकिए में मोर पंख रखने के लिए मोर पंख को आप थोड़ा सा काट लें, मोर पंख को तकिए में रख कर सोने से व्यक्ति को कामयाबी मिलती है और इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के पास अचानक से धन कहीं से भी आने लग जाता है और ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे मारामाल हो जाता है। मोर पंख को तकिए के नीचे रख कर सोने से घर परिवार के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और ऐसे लोगों को बुरे सपने भी नहीं आते हैं। साथ ही साथ दूसरा उपाय है, बैठने के स्थान पर मोर पंख जरूर रखें। करोड़पति बनने के लिए ज्योतिष के अनुसार जहां पर पूरा परिवार एक साथ बैठता हो वहां पर मोर पंख रखने से व्यक्ति धीरे धीरे करोड़पति हो जाता है। मोर पंख के नियमित दर्शन करने से ही परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धीरे धीरे घर का हर एक सदस्य कामयाब होने लग जाता है। तीसरा उपाय है, पति पत्नी में कभी भी कोई तनाव अगर होता है तो दो मोर पंख के जोड़े को पति पत्नी के कमरे में पूर्व पश्चिम दिशा में लगाने से दंपति के बीच प्रेम बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते हैं। पति का पराई स्त्री से संबंध भी नहीं रहता है, उसे केवल अपने ही पति में आसक्ति रहती है। इससे दोनों के रिश्ते मजबूत होते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ चौथा है, पूजा स्थल में भी मोर पंख रखना चाहिए। जहाँ पर देवी देवताओं का पूजन होता है वह घर कभी गरीब हो नहीं सकता। ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को घर में के बने हुए मंदिर में एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे व्यक्ति मालामाल हो जाता है और उसे व्यक्ति को कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। पांचवा उपाय, मुख्य द्वार पर मोर पंख जरूर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आए तो एक मोर का पंख घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगा दें और आप उस मोर पंख को नीचे से काट भी सकते हैं। उस मोर पंख को आप फोटो फ्रेम भी करा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से पैसा चुंबक की तरह दौड़ा हुआ चला आता है। दुकान में भी आपने कई लोगों को देखा होगा कि मोर के पंख को लगाकर रखते हैं। ऐसा करने से काम काज बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। वैसे तो माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन ज्योतिष के कुछ उपाय कर लेने से और आपकी श्रद्धा के हिसाब से और आपका विश्वास और आपकी मेहनत के दम पर व्यक्ति कहीं से कहीं यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। ये कमाल के जो है तरीके मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और आप अपने विचारों को, बहुमूल्य विचार जो आपके हैं उनको नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।